कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। चिंता की बात यह है कि जिस डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान ली थी, ये वायरस उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में यूपी में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वायरस से बचाव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश और दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। यहां फतेहपुर जिले में भी प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टेस्टिंग टीम रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर तैनात की गई है, जो बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की जाँच कर रही है। यहाँ पे यात्री को जो गाड़ी रुकती है उसके बाद यात्री को बुलाते हैं, उसके बाद से उसको बैठा के उसका ओमिक्रॉन के लिए इसका सैंपल लिया है, ताकि इससे की जो वायरस है वो किसी अन्य लोगों में ना फैले और इसकी रोकथाम। आजकल कितने अब तक हो चुके हैं? अभी तक तो 36 हुए हैं। अभी जांच जारी है और लगातार अभी ये जब तक वायरस खत्म नहीं होगा, इस संक्रमण को खत्म करने के लिए जांच जारी रहेगी।